गुलमर्ग में भारतीय सेना चिनार द्वारा ओपन विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किया गया। बता दें 28 फरवरी को ओपन विंटर गेम्स का आयोजन किया गया। ये गेम्स घाटी में किसी भी शीतकालीन खेलों में सबसे अधिक 674 व्यक्तियों की रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी के साथ संपन्न हुई। डेगर डिवीजन के पीर पंजाल ब्रिगेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एथलेटिक्स, खेल कौशल और सौहार्द के साधारण प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GP24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर, लेकर आई हूं जम्मू। पीर पंजाल पर्वतमाला की सुरमय बर्फ से ढकी चोटियों के बीच शीतकालीन खेल कश्मीरी युवाओं की ऊर्जा और उत्साह के लिए एक सकारात्मक आउटलेट प्रदान किया, जो उनकी क्षमता को रचनात्मक और प्रतिस्पर्धी प्रयासों की ओर ले जाते हैं। सर्द रातों और माइनस तापमान के दौरान भी प्रतिभागियों ने 27 फरवरी 2024 तक पंजीकरण के लिए कतार में खड़े देखा गया, जो युवा स्थानीय एथलेटिकों के उत्साह को दर्शाता है। चिनार ओपन विंटर गेम्स का विस्तार मैदानों से बढ़कर आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदाय को शामिल करके इसे एक समावेशी कार्यक्रम बना दिया गया है। इस आयोजन में उभरती प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करके खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को उजागर किया। इस साल के शीतकालीन खेलों ने अनुभवी प्रतियोगियों और उत्साही तथा शौकीनों सहित घाटी भर से विभिन्न प्रकार के प्रतिभागियों को आकर्षित किया। एड्रेनलिन ईंधन वाली स्कीइंग दौड़ से लेकर रोमांचक स्नोबोर्डिंग प्रतियोगिताओं तक इस आयोजन में शीतकालीन खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। एथलीटों ने अपने समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए कई शीतकालीन खेल जैसे स्लैलम, स्नोबोर्डिंग, आइस स्केटिंग और एक्स कंट्री स्कीइंग में प्रतिस्पर्धा की। शीतकालीन खेलों के समापन पर आयोजकों ने उन सभी प्रतिभागियों, स्वयं सेवकों और समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस आयोजन को संभव बनाया। इस संस्करण की जबरदस्त सफलता के साथ चिनार ओपन विंटर गेम्स के भविष्य के संस्करणों को विस्तारित करने और बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है, जिसमें ये सुनिश्चित हो सके कि कश्मीर में आने वाले वर्षों में खेल कौशल और युवा जुड़ाव के प्रतीक के रूप में चमकता है। ये ऐतिहासिक आयोजन कश्मीर के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो समावेशिता और उत्कृष्टता के साथ एक नए युग की शुरुआत करता है। जी, मेरा नाम अलीस है और आज यहाँ पर चिनार विंटर गेम्स 2024 हो रहा था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेशन लिया था जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से था, जिसका एकोमोडेशन, खाना पीना सब कुछ उन्हीं की तरफ से, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। या आज हमने हमारे यहाँ पर मेरा सलालम का रेस था, बहुत ही टफ रेस थी और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आए थे यहाँ पर, तो मैं यही कहना चाहती हूँ सारे यहाँ आए और अपना हुनर दिखाए, अपना टैलेंट यहाँ पर सबों के सामने दिखाए और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है आज ये गोल्ड मेडल लेके। तो द चिनार ओपन 2024 गेम्स, यू आर ऑल अवेयर दैट गुलमर्ग इज नोन द वर्ल्ड ओवर, यू नो, एज अ ड्रीम डेस्टिनेशन एंड इट्स वंडरफुल टू सी इट ड्रेप्ड एज इट इज टुडे इन स्नो। The Chinar Open Winter Games are the Indian Army's small initiative to promote homegrown talent within Kashmir. It's only a small step, it's a beginning, and we hope to make it better as the years go by. थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे पार्टिसिपेशन यहाँ पे, एंथुसिएज़्म बहुत बड़ा है, वो उनका कहना है कि ऐसे विंटर गेम्स ज्यादा से ज्यादा होने की उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। हमने तो शुरुआत कर ही दी है, आपने देखा, और हम इसको बेहतर से बेहतर बढ़ाते रहेंगे जैसे हम आगे जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया साथ में कश्मीर की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GP24 न्यूज़।